सर्दी आ गई है और बता सर्दियों में सुबह सुबह नहाना कितना मुश्किल काम होता है। जी तो मैं फुली रेडी हो चुका हूँ, तो इस वक्त मैं सिटी में पहुँच चुका हूँ तो सर्दी आ चुकी है। मैंने ऊपर आज कुछ पहना भी नहीं हुआ तो सर्दी भी लग रही है, तो इसलिए कल मैं रात में कुछ ऊपर पहना करूँगा। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, तो हम शहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुझे एक बात है कि काफ़ी मसरूफियत की वजह से वो बाद मेरे माइंड से निकल गई है। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं प्रोफेसर शिफार रसूल साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अदा किया, तो मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके चाहने वाले जो उनके व्यूअर देख रहे हैं वो भी उनको मुबारकबाद दे देंगे। तो प्रोफेसर साहब लास्ट से बैठे हुए हैं सर, आपकी परसों भी आपने छुट्टी की थी, खैरियत थी, क्या हुआ आपको? तबीयत अभी तक ख़राब है, तो मैंने भी आपको बताया था कि सर्दी आ चुकी है, तो मे भी मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप लोग भी अगर अपना ख्याल रखें। अब तक गाड़ी में आपके सामने जिस जिस बंदे को फाइन हुआ है ठीक है, उन्होंने आराम देखते फाइन दिया है, लेकिन इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले ना हमारे ये हमेशा ही ना रिवोल्ट करते हैं, अपनी दफा कहते हैं फाइन नहीं देना, कितना फाइन नहीं जितना ये दिमाग आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या नाम है वकार साहब, आप फाइन दे रहे हैं आप फाइन दे अपनी दफा कर रहे हैं, में आ चुके हैं और ये पीक ATS का है। ATS नहीं होता कि पहले लेक्चर के अंदर हम टेस्ट होता है, उसके बाद लेक्चर होते हैं थोड़े से ना टाइम कम के, ठीक है। तो साहब वॉइस कैंपस में सर आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? AK1 के क्लास में है, ठीक है। तो आप जाएगा तो ATS की तैयारी के लिए बच्चे आप शीट परचेज कर रहे हैं, जैसे ही बच्चे शीट परचेज करके लास्ट में जाते हैं तो इनके ATS स्टार्ट होते हैं। आज पहला ATS है और मेडिकल पार्ट टू की क्लास में मेरी ड्यूटी लगी है, तो बच्चों आप लोगों की तैयारी कैसी है? जी तो जैसा कि आपको बताया था कि ATS है, तो पहले ATS हो चुका है, अब तीसरे वाला ATS केमिस्ट्री का है, तो अब थोड़ी देर के बाद ये मेरा लेक्चर फ्री है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ATS बना लूँ, ATS में क्या आएगा मैं नहीं बताऊँगा। लेक्चर पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर खाना चौंका है वापस जाने के लिए, अब भूख लगी हुई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर पनीर चिली खाई जाए, उसमें भी काफ़ी कागवा टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उससे हम ना जी अपनी बात कर सकते हैं। कितने की जल्दी है? कितने की है? चाय बड़ी महंगाई हो गई है, कितने की है महंगाई? भाई कह रहे हैं ये कुछ खान है, कोई खान पे मजा ही नहीं डालने का, इमरान खान जिंदाबाद के नारा पे लगा रहे हैं, चली जा रहे हैं। मैं घर में गया, बैटरी अकेडमी आ गया, तो अकेडमी में दो टीचर्स ऑलरेडी छुट्टी पे थे, इसलिए मुझे टाइम आके अकेडमी भी ओपन करनी पड़ी है। तो मैं अकेडमी से वापस घर आ चुका हूँ, आज मैंने होम ट्यूशन नहीं जाना है क्योंकि शाम में मैंने मेरी कज़न की शादी है, मैं वहाँ पर जाना है, तो इंशाल्लाह आप वो शादी भी आपको लगा देती है। बताया था कि आज शाम में मैंने एक शादी पे जाना है, मेरी कज़न की शादी है, उसमें लाहौर से भी मेरे कज़न वगैरह आ रहे हैं, गेट टुगेदर होगी, काफ़ी हल्ला गुल्ला होगा, फन होगा, तो इसमें मैंने ड्रेसअप कर लिया, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा है कि ब्लू कलर का मैंने कुर्ता पहना है, साथ से ये रिंग भी मैंने मैचिंग करके पहन लिया। अब जस्ट वेस्ट कोट का वेट है कि वेस्ट कोट भाई लेने गया, ड्राई क्लीन करने दी थी, जैसे वो आती है वो पहन के तो फिर इंशाल्लाह मैं शादी करने वाले जाऊँगा, सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस मेरा वेट हो रहा है। वेस्ट कोट आ चुकी है, मैंने वेस्ट कोट पहन लिया है, तो अब भी हम बस निकलने लगे हैं, ठीक है। तो बाकी गपशप मीटिंग सारी बातें शादी वाले घर जा होगी। जी तो हम इस वक्त शादी वाले घर पहुंच चुके हैं, ये मेरा कज़न है नार मलिक, ये लाहौर से आया, ठीक है। और ये मुझे बता रहा था पहले ऐसे वैसे ये भी कामों की रह गए हैं, लेकिन अब दो तीन चार साल ही लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे ना ये कामों की वालों को बड़ी बातें करते हैं। तो अब इस वक्त शादी वाले घर आ चुके हैं, ये वैसे हैं, इस वक्त हम लोग ना खाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अब देखते हैं कब खाना आता है, कब हम खाते हैं, तो बड़ी तेजी के साथ खाने का इंतजार हो रहा है। खाना तो आपको मिल गया।
और हम उसके बाद ही सुबह के बंदे